हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वहीं इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वहीं इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर
सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है।
एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दे, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दे, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने
अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतजार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीजें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीजें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी।
उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीजें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीजें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है,
चीजें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दे, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वहीं इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दे, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वहीं इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दे, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद
उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीजें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दे फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दे फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो
छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन
क्विज 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्विज 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्विज 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्विज 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्विज 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्विज 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्विज आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्विज 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्विज 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्विज 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्विज 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्विज 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्विज 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्विज 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्विज आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्विज 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्विज 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्विज 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम।
ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दे, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वहीं इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दे, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वहीं इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी
क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी,
लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतजार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीजें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीजें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वही इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी।
उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वहीं इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में क्रिश 4 की न्यू अपडेट ऋतिक रोशन ने दी है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। ऋतिक रोशन इन दिनों अपने हालिया फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसी बीच ऋतिक रोशन की पॉपुलर फ्रेंचाइजी क्रिश 4 को लेकर नई अपडेट आई है। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया है कि फैन जादू से कैसे मिल पाएंगे। पिंक विला की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक रोशन ने बताया है कि क्रिश 4 की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन इस पर अब ऋतिक ने अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्म के लिए फैन को अभी और इंतज़ार करना होगा। वे बोले कि क्रिश 4 पार्ट को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेकर्स अभी चौथे पार्ट पर कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं देना चाहते हैं। इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, यह कहानी आसान नहीं है, चीज़ें अभी भी सही जगह पर आनी बाकी है। उन्होंने बताया कि वे फिल्म के लिए बेहद खुश है, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगने वाला है। बता दें, फैन को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस खबर के आने के बाद उनकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। जब इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट फिल्म कोई मिल गया आई थी, तब जादू के फैन हो गए थे। आज भी साल 2003 में आई इस फिल्म को लोग बड़े चाव से देखते हैं। वहीं इसके बाद जब 2006 में क्रिश आई तो छोटे छोटे बच्चे सुपर हीरो बनने का सपना देखने लगे थे। फिर साल 2013 में क्रिश 3 आई, जिसने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब मशहूर फ्रेंचाइजी के फैन क्रिश 4 का इंतज़ार कर रहे हैं।